कॉलेज परीक्षा को लेकर के आदेश आया है। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी के लिए आदेश जारी हुआ कि केवल फाइनल ईयर के जो छात्र हैं उनका ऑफलाइन एग्जाम होगा। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के अंतिम वर्ष की फाइनल परीक्षाएं ऑफलाइन करवाई जाएंगी। फाइनल ईयर को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं कॉलेज अपनी सुविधा के साथ ले पाएंगे। ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रैक्टिकल परीक्षाएं लेने की अनुमति है। तो विद्यार्थी लगातार परेशान है अपनी परीक्षा को लेकर। तो रायपुर से बड़ी खबर, कॉलेज एग्जाम को लेकर आदेश आया। तमाम सरकारी निजी यूनिवर्सिटी उनमें केवल फाइनल ईयर के छात्रों का ही ऑफलाइन एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, क्योंकि उनको आगे इस डिग्री का इस्तेमाल करना है। यूजी पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। फाइनल ईयर को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। प्रैक्टिकल को लेकर कॉलेज अपनी सुविधा के साथ ये एग्जाम करा सकते हैं। तो छात्र अपनी परीक्षा को लेकर लगातार जानकारी चाहते थे और इस वक्त की एक बड़ी खबर कि केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट का ही एग्जाम होगा और केवल फाइनल के स्टूडेंट का ऑफलाइन एग्जाम होगा। बाकी के जो छात्र हैं उनको लेकर के भी गाइडलाइन आई कि उनकी केवल ऑनलाइन ही परीक्षा ली जा सकती है और दूसरा प्रैक्टिकल भी कॉलेज अपनी सुविधा से ले पाएंगे। प्रिया हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गई। जी प्रिया, क्या अपडेट है? बिल्कुल, सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए आदेश जारी हो गए हैं कि यूजी और पीजी के अंतिम वर्ष की सेमेस्टर परीक्षाएं जो हैं वो ले ली जाएं और बाकी सारी परीक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन की जाएंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं कॉलेज अपनी सुविधा के अनुसार ले सकेंगे और वो चाहें तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी मोड पर ये परीक्षाएं जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि प्रदेश भर में संक्रमण जो है वो रफ्तार पकड़ रहा है और देखते हुए ही परीक्षाएं की जो तिथि है वो आगे बढ़ा दी गई थी। आगामी आदेश तक के लिए परीक्षाएं स्थगित की गई थी और अब ये नया फैसला आया है। इसके बाद अब विश्वविद्यालयों को ये तय करना है कि परीक्षाएं कब कंडक्ट करवानी है और केवल यूजी और पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ही ऑफलाइन मोड पर करवाई जाएंगी, बाकी तमाम परीक्षाएं जो है वो ऑनलाइन मोड पर ही करवाई जाएंगी। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा संक्रमण अपने पैर पसार रहा था प्रदेश भर में और प्रदेश भर में ऐसे कई बच्चे हैं जो संक्रमित भी थे, ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे थे। इसको देखते हुए ही पिछली बार भी ऑनलाइन मोड पर परीक्षाएं करवाने का फैसला लिया गया था, यही फैसला इस बार भी लिया गया है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो केवल फाइनल ईयर के छात्रों का ऑफलाइन एग्जाम होगा, बाकी सबके लिए ऑनलाइन का एक विकल्प खुला हुआ है। प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफलाइन ऑनलाइन हो सकते हैं, कॉलेज अपनी सुविधा अनुसार इसको कंडक्ट करा सकते हैं। तो छात्रों के लिए एक अहम खबर है रायपुर से। कॉलेज में परीक्षा को लेकर के आदेश आ चुका है। सरकारी और निजी दोनों यूनिवर्सिटीज छात्रों का एग्जाम केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट का ऑफलाइन लेंगे, बाकी सभी ऑनलाइन एग्जाम का ही विकल्प खुला है।